धान से चुनाव फूल बनाने और विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से बात की संवाददाता रुपेश गुप्ता ने। साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये एफसीआई के थ्रू जो खरीदी की बात कही गई है, जो एथेनॉल का जो एजेंसी बनाया गया है वो एफसीआई को बनाया गया है, इसके क्या मायने हैं? भारत सरकार को सीधे सीधे राज्य सरकारों को इसमें स्वतंत्र करना चाहिए कि आप अपने राज्य के धान खरीदें और एथेनॉल उपयोग के लिए उसको ला सकते हैं। बीच में एफसीआई को नोडल बना देने से एक अनावश्यक रूप से एक स्टेप बढ़ गया और उनके इच्छा के ऊपर रहेगा कि वो किनको अनुमति देते हैं, कब अनुमति देते हैं, कितना का देते हैं, तो समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। एमओयू कर लिया है राज्य सरकार ने, ऐसी स्थिति में जो एमओयू से उत्पादित एथेनॉल होंगे चावल से, धान से, उसको फिर ये सुनिश्चित कैसे करेंगे कि खरीदे एफसीआई? हमारी संघर्ष जारी है। कांग्रेस है वो कृषि बिल को लेकर के विरोध कर रही है और उसको लेकर के अलग अलग राज्यों में विधानसभा के सत्र बुलाए गए हैं। छत्तीसगढ़ उनमें से एक है, राज्यपाल ने इस प्रस्ताव को फिलहाल लौटा दिया है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इसे छत्तीसगढ़ का मसला नहीं है बल्कि राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसी भी प्रदेश की चुनी हुई पूर्ण बहुमत की सरकार जब चाहे अधिवेशन, जब चाहे वो विधानसभा का सत्र बुला सकती है और प्रदेश हित में, अपने नागरिकों के हित में नियम बना सकती है। तो ये थे अमरजीत भगत, जिनका साफ तौर से कहना था कि जो सवाल के जवाब हैं वो दे दिए जाएंगे, लेकिन बड़ा मसला ये है कि राज्यपाल के पास ये अधिकार नहीं है कि वो रोक सके, क्योंकि ये सरकार राज्य सरकार के पास है। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार है तो वो विधानसभा का सत्र कभी भी बुला सकती है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता।